कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत ने आज 4 गोल्ड सहित 9 मेडल जीते हैं। बॉक्सिंग में निखत जरीन ने नॉर्दर्न आयरलैंड की खिलाड़ी को हराया, गोल्ड मेडल जीता। ट्रिपल जंप में भारत ने जीता है गोल्ड मेडल, एल्डोस पॉल ने दिलाया है गोल्ड। ट्रिपल जंप में सिल्वर पर भी भारत का कब्जा। सीडब्ल्यूजी में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, भारत की झोली में एक और पदक। जेविन थ्रो में अनु रानी ने कांस्य पदक जीता। मिनट की रहने वाली अनु की का शानदार प्रदर्शन, 2014 में एशियन गेम्स में भी जीता था कांस्य पदक। सीडब्ल्यूजी में बॉक्सर नीतू ने गोल्ड मेडल जीता है, 48 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। बॉक्सिंग में अमित पंघा ने जीता है गोल्ड, इंग्लैंड को हराकर अमित ने जिताया है गोल्ड। बॉक्सिंग में अमित पंघा ने जीता है गोल्ड, इंग्लैंड को हराकर अमित ने दिलाया गोल्ड। भारत ने अब तक 15 गोल्ड मेडल जीत लिए। सीडब्ल्यूजी में बैडमिंटन में पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन, बैडमिंटन के फाइनल में पहुंची हैं पीवी सिंधु। सीडब्ल्यूजी में भारत की बेटियों का कमाल, महिला हॉकी में महिला को मिला, यहां पे भारत टीम को मिला है कांस्य पदक, न्यूजीलैंड को हराकर रचा इतिहास। मेडल जीतने के बाद महिला हॉकी टीम का जश्न, जीत की खुशी में एक साथ डांस करती दिखी हॉकी टीम। कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन पहलवान नवीन कुमार ने जीता है 3रा गोल्ड दिलाया है और फाइनल में पाकिस्तानी पहलवान को दिया पटकनी। विनेश फोगाट ने विवेंस 50 किलो वेट के साथ वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया है गोल्ड। कुश्ती में विनेश का कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3रा गोल्ड। कुश्ती में भारत को एक और गोल्ड, रवि दहिया ने 57 किलो वर्ग में जीता है गोल्ड। रवि दहिया ने भारत के लिए 10वां गोल्ड मेडल जीता। ओमेक्स सोसाइटी के हंगामे के बीच में सांसद महेश शर्मा ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे, बोले यहां की पुलिस की नाकामी है, सोसाइटी में गुंडे कैसे घुसे। महेश शर्मा बोले जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। नोएडा में श्रीकांत त्यागी के समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई, ओमेक्स सोसाइटी में जबरदस्ती घुसे श्रीकांत त्यागी के समर्थक, गार्ड्स और श्रीकांत समर्थकों के बीच में धक्का मुक्की हुई। नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर दोबारा से पहुंची पुलिस, श्रीकांत त्यागी की पत्नी से पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस, पुलिस को घर में 15 मिनट पर मिली है उसके बाद एंट्री। नोएडा में गालीबाज नेता श्रीकांत अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, श्रीकांत त्यागी की तलाश में छापेमारी लगातार जारी। गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, हापुड़ और नोएडा में पुलिस ने दी है दबिश, दिल्ली गुरुग्राम समेत कई ठिकानों पर यूपी पुलिस की छापेमारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दिल्ली का दौरा खत्म, 2 दिवसीय दौरे से लखनऊ लौटी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सीएम योगी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, 40 मिनट की मुलाकात में यूपी की राजनीतिक स्थिति पर हुई चर्चा, रक्षा मंत्री से भी की मुलाकात। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हुई नीति आयोग की बैठक, बैठक में सीएम योगी ने पेश की है विकास की तस्वीर, कृषि शिक्षा विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया, अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने के प्रयासों का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए ब्यौरा भी दिया है और डिजिटल एग्रीकल्चर फसल विविधीकरण को लेकर भी चर्चा की गई है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी, कहा आगामी 25 साल की योजना बनाना प्राथमिकता। और यूरोपीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की पहल, प्रदेश में पेट्रोल पंप पर भी बिकेंगे उत्पाद, प्रदेश सरकार IOC रेलवे विभाग और बैंकों के साथ करेंगे अनुबंध। यूपी में एम्बुलेंस सेवा में सुधार के लिए नई पहल, बनाए जाएंगे ग्रीन कॉरिडोर, GPF और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से चलेगी एम्बुलेंस। सपा विधायक जियाउर रहमान का विवादित बयान सामने आया है, अंग्रेजों से की है बीजेपी और RSS की तुलना। मेरठ में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कांग्रेस पर जमकर हमला, कांग्रेस ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया, कांग्रेस वंशवाद की पार्टी है। बिजनौर में सुनील शेट्टी को देखने गए लोगों की भीड़ हुई बेकाबू, बीजेपी नेता वसीम कुरैशी के कार्यक्रम स्थल में मची भगदड़। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बागपत, परशु रामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना। आगरा में भाजयुमो शिविर का दूसरा दिन, 6 क्षेत्र और 58 जिला इकाई प्रतिनिधियों से हुआ संवाद। अमरोहा के सातरपुर गांव की गौशाला में गायों की मौत का मामला, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने गौशाला का निरीक्षण किया। बागपत में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली है पदयात्रा, सरकार से महंगाई कम करने की गुहार लगाई। कुशीनगर में बीजेपी नेता धनंजय राय की मां का बड़ा आरोप, बेटे पर घर से बाहर निकालने का लगाया आरोप, बेटे पर फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का आरोप लगाया।
बरेली में बीजेपी नेता जितेंद्र रस्तोगी गिरफ्तार, महिला की पिटाई के बाद से चल रहा था फरार, नाली विवाद में हुई थी मारपीट। फरारी के मामले में यूपी के मंत्री राकेश सचान की सफाई, मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं, मैं फरार नहीं हुआ, कल जाऊंगा कोर्ट। कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान अपनी सजा की फाइल लेकर भाग गया, अवैध हथियार केस में कोर्ट ने दिया था दोषी करार। अयोध्या में अवैध निर्माण पर गर्जेगा बाबा का बुलडोजर, विकास प्राधिकरण ने जारी की है अवैध निर्माण की सूची, विधायक, पूर्व विधायक और मेयर के नाम शामिल। लखनऊ मुख्तार अंसारी के बेटे की तलाश में छापेमारी, अब्बास अंसारी की तलाश में दारुल शफा में छापेमारी। बागपत में कुख्यात बदमाश अमित के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, जिला प्रशासन ने अपराधी की 70 लाख की संपत्ति कुर्क की। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर शिकंजा, प्रशासन का शिकंजा कसा है, हाजी इकबाल के मकान पर चस्पा किया गया नोटिस। लखनऊ में वैक्सीन की तीसरी खुराक बूस्टर डोज का महाअभियान शुरू, 203 जगहों पर हो रहा था टीकाकरण। लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी की अचानक से मौत हो गई, हड़कंप मचा, सफाई के दौरान कर्मचारी को अचानक आई थी उल्टी, मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। लखनऊ में अयाशी का अड्डा बना सिविल अस्पताल, अस्पताल की कर्मचारियों ने रात भर की पार्टी, बर्थडे केक काटने के बाद आपस में मारपीट हुई। ललितपुर में मानसिक रूप से कमजोर युवक ने दांत से बच्चे की काटी नाक, दांत काटने की वजह से नाक का हिस्सा अलग हुआ। मुरादाबाद में महिला दारोगा से मारपीट का मामला आया सामने, युवक ने की महिला की पिटाई, वीडियो वायरल। ललितपुर में कडेसरा कला गांव में प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, 3.2 लाख वोल्ट के टावर पर चढ़ा शख्स प्रेमिका से शादी करने की मांग करा। यूपी के शामली में पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ लाठ डंडों से मारपीट का मामला सामने आया, 3 बाइक पर सवार होकर आए थे 8 हमलावर। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मारपीट, मंदिर सेवादारों के बीच हुई मारपीट। हथौड़ी में बंदरों ने थाने में मचाया है आतंक, दरोगा की टोपी लेकर भागा बंदर, टोपी लेकर 4 घंटे तक घूमता रहा बंदर, बंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के वृंदावन में बारिश के चलते गिरा मकान का छज्जा, पुरानी और जर्जर होने से गिरा है छज्जा, छतों से टपक रहा था पानी। फिरोजाबाद में लड़कियों की 2 गुटों में हुई है जमकर मारपीट, मामूली विवाद के बाद हुई दोनों गुटों में बहस, मारपीट का वीडियो वायरल। कौशाम्बी जिले में खाकी का खौफ देखने को मिला है, पुलिस की पिटाई से एलएलबी के छात्र के कान का पर्दा फटा और पीड़ित ने पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कानपुर में युवक की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है, यूपी संघ लड़कों ने की है युवक की जमकर पिटाई, युवती को अपशब्द कहने पर की गई है पिटाई। कानपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है, गाड़ियों को रोकने का प्रयास करते नजर आया पुलिसकर्मी। यूपी के बागपत में छत पर खड़े युवक ने लहराया है तमंचा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बुलंदशहर में चकबंदी कानूनों का खेल खत्म, किसान से 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया चकबंदी कानूनों को। यूपी के सहारनपुर में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया, सड़क पर तड़पता रहा युवक, लोग बनाते रहे वीडियो, हुआ था हादसा। बहराइच में बाढ़ में फंसी सवारियों से भरी बस कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, बाल बाल बचे बस में सवार। ललितपुर में पेंट्री कार मैनेजर और कर्मियों ने युवक को चलती ट्रेन से फेंका है, पीड़ित की हालत गंभीर। आगरा में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ से आक्रोश, पारस पल्स गेट 1 सोसाइटी में था धार्मिक स्थल, भारी पुलिस बल तैनात। मथुरा में नेशनल हाईवे पर ट्रक में महिला से बदसलूकी की, युवती ने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सहारनपुर में गैंगस्टर ने थाने में पहुंचकर किया है आत्मसमर्पण, भविष्य में अपराध करने से तौबा। मिर्जापुर में अंतर जनपदीय चोर गैंग का खुलासा हुआ है, निजी शौक को पूरा करने के लिए करते थे चोरी। यूपी के शाहजहांपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है खूंखार बदमाश, घुमंतू जाति के बदमाशों के होने की आशंका, अलर्ट पर पुलिस। यूपी के बिजनौर में मां के पास सो रही 6 महीने की बच्ची को उठा ले गया गुलदार, मचा हड़कंप, ननिहाल आई थी मासूम। मुजफ्फरनगर में सांप के काटने से मासूम की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। औरैया में बारिश के बाद पूरे इलाके में भरा है पानी, शहर के कई मोहल्ले हुए हैं टापू में तब्दील। बहराइच के दौलतपुर गांव में घुसा बाढ़ का पानी, गांव में पानी घुसने से लोगों में हड़कंप मचा। सिद्धार्थनगर में एक ढाबे पर नकली पनीर की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची, मौके से पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। श्रावस्ती में चरस के साथ
तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 1 किलो चरस बरामद। संभल में ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, चोरी से दिल्ली से चोरी की गई 2 कार बरामद। लखनऊ एसटीएफ ने कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया है, कब्जे से 295 कछुए बरामद। बागपत के सियादबाद कॉलेज में आईटीआई छात्रों ने कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा किया। महोबा के चरखारी नगर में हजरत इमाम हुसैन की सवारी निकाली गई, हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत। चंदौली में ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की हादसे में शिकार हुए, 1 की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पैराइश में बुजुर्ग महिला के लिए डीएम और एसपी ने किया है खाने का इंतजाम, बुजुर्ग महिला को कर्मचारी के साथ इलाज के लिए भेजा गया। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके की रहने वाली मनदीप कौर ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर की है खुदकुशी, मरने से पहले बनाया वीडियो। महोबा में जहरीला पदार्थ खिलाकर की है मंदिर में लूट, सोने के मुकुट समेत सभी सामानों पर हाथ साफ किया। मसूरी में आईटीबीपी गेट के पास खाई में गिरी है बस, बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा, हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं। नौगढ़ से बीजेपी प्रदेश में निकालेगी तिरंगा यात्रा, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि तिरंगा अभियान को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया गया है। उधमसिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में पॉलिथीन के खिलाफ चेकिंग अभियान, पॉलिथीन रखने के जुर्म में लोगों के किए चालान। उधमसिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। अल्मोड़ा में धुनी मंदिर देवदागरों की यात्रा निकाली गई है, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल। देहरादून में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, बागेश्वर और चमोली में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, 13 अगस्त तक मौसम विभाग की ओर से अलर्ट। उत्तरकाशी के वीरपुर डुंडा में बाजार में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से दुकानों को काफी नुकसान हुआ। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया है मलबा, सेंच बंदरकोट सिलकुरा में मार्ग बंद। चमोली में मूसलाधार बारिश के चलते कर्णप्रयाग में अचानक हुआ है भूस्खलन, कई खड़ी कारें मलबे में दब गई। इसरो ने रचा है इतिहास, नया रॉकेट SSLV-D1 श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। 75 स्कूलों की 750 छात्राओं की बनाई आजादी सैटेलाइट लॉन्च, छात्राओं के हौसले को सलाम। आजादी के 75वें साल में छात्राओं ने बनाए हैं उपग्रह की 75 उपकरण, आजादी सेट के इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात एक किया। ISIS के संदिग्ध आतंकी मोहसिन को एक दिन की NIA रिमांड पर, कल NIA ने बाटला हाउस से किया था गिरफ्तार। आतंकी मोहसिन से लैपटॉप, आपत्तिजनक दस्तावेज, फोन बरामद हुआ, मोहसिन पर फंड कलेक्शन करने का आरोप। RCP सिंह का नीतीश कुमार पर करारा तंज, कहा कि 7 जन्मों में भी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। राजस्थान के सीएम गहलोत का बेतुका बयान, कहा दुष्कर्म पर फांसी की सजा से बड़ी है हत्या की घटनाएं। सीएम अशोक गहलोत के विवादित बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा रेप वाले बयान पर क्यों प्रियंका गांधी खामोश। बिहार में आरजेडी का प्रतिरोध मार्च, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल, बिहार के शहरों में प्रदर्शन। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह ने अकासा एयर की पहली उड़ान को किया है उद्घाटन, और मुंबई से अहमदाबाद के लिए भरी उड़ान। MP में इस साल भी नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव बोले अभी कोविड का तीसरा दौर, बाद में लेंगे निर्णय। छत्तीसगढ़ में तीसरे दिन भी ईडी और आईटी की कार्रवाई जारी, दस्तावेज और लॉकर्स की जांच में जुटे हैं अधिकारी। रूस ने ज़ापोरिज़्या परमाणु पावर प्लांट का वीडियो किया है जारी, रूस का दावा, यूक्रेनी सेना ने की है पावर प्लांट पर गोलीबारी। मौनी रॉय का एक वीडियो आया है सामने, वीडियो में मौनी खूबसूरत अंदाज बिखेरती हुई नजर आ रही है, मौनी की अदाओं से दीवाने हुए फैंस।